में गुरूर और चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो तनीषा से कहने लगा, मुझे अभी अभी कुछ याद आया, सबके सब आज यहाँ हैं सिर्फ रोहित के अलावा, वरना आज तो तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स का भरत मिलाप हो जाता। तनीषा को वैसे भी आदित्य की बातें कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, जैसे आदित्य को ये सब देखने में मजा आ रहा हो। कोई बात नहीं, लूडो चार लोगों का गेम होता है वैसे, आदित्य ने कहा। तनीषा वैसे तो चुप थी, पर वो बस अब चाहती थी कि आदित्य चुप हो जाए। तनीषा उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है, मेरा आपसे क्या ही मुकाबला, आप सीनियर हो मेरे, और आपकी सारी गर्लफ्रेंड अगर मिल जाए तो शायद भगवान को भी नीचे बुला लेंगी। आदित्य राजपूत देखने में काफी अच्छा था और काफी लोगों का चहेता भी था। उसकी निजी जिंदगी सबको ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उसकी बहुत गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। वो गर्लफ्रेंड बदलता रहता था, बिल्कुल अपने कपड़ों की तरह। आप कुछ ज्यादा ही बढ़ावा कर रही है मेरा, वो क्या है कि हर एक लड़की पहले से ज्यादा बेहतर होती है, आदित्य ने तनीषा की तरफ देखते हुए कहा। तनीषा ने उसकी बात को अनसुना किया, पर तभी आदित्य ने आगे कहा, वैसे भी अंदर थोड़ा अंधेरा है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ और स्कैंडल्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसे क्यों ही दिक्कत होगी, वो स्कैंडल्स में डूबा हुआ है, पर तनीषा ऐसा कुछ नहीं चाहती है ना कुछ सोचती है। मुझे दिक्कत है, तनीषा ने आदित्य से कहा। उसने सोचा कि अब आदित्य का मुंह बंद करना जरूरी है, इसलिए उसने आगे बोला, और मेरे बॉयफ्रेंड को भी परेशानी होगी। तनीषा को तब याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, राज का गुस्सा अभी अभी उसे याद आया। अंश को जलन सी महसूस होती है और राजमीत का भी ध्यान तनीषा की बातों पर जाता है। आदित्य ने आगे कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? तनीषा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों, कोई दिक्कत है? तनीषा ये नहीं बताना चाहती थी कि वो कौन है, पर वो ये बताने से नहीं कतराती कि वो किसी के साथ है अब। आदित्य ने कहा, मतलब हम में से कोई एक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तनीषा को अब ये सुनकर गुस्सा आ रहा था, आखिर एक ऐसी बात हुई, जरूरी है क्या इन्हीं में से कोई हो? सबके सब तनीषा को देख रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी और उसे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्या उसे कुछ हीटर्स आकर परेशान करेंगे यहाँ? उसे बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे, जो काफी अजीब था। तनीषा खुद को उन ख्यालों से बाहर निकालती है। रोहित ने उसे कहा है तो शायद कुछ जरूरी ही होगा। वो एक कदम आगे बढ़ाती है और दरवाजा खोलती है। उस दरवाजे में धूल मिट्टी जमी हुई थी। तनीषा ने पहले आहिस्ते से उसे खोलने की कोशिश की, फिर उसे जोर जोर से धक्का मारा और अंदर गई। उस रूम के लाइट्स ऑन नहीं थे और अंदर काफी अंधेरा था। एक छोटी सी खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। उसे कुछ भी अंदर ठीक से नहीं दिख रहा था। मिट्टी और जालों से पूरा कमरा भरा हुआ था, जैसे बहुत वक्त से उस कमरे में किसी ने सफाई ही ना की हो। तनीषा सोच ही रही थी रोहित के बारे में, और अचानक से एक लाल रोशनी से रूम में थोड़ी सी रोशनी आती है। उस अंधेरे से कमरे में लाइटर से थोड़ी रोशनी आती है और एक आदमी अपना सिगरेट निकालकर उसे जलाता है। अलमारी के पास तनीषा को वो लंबे जैकेट में आदमी खड़ा सिगरेट पीता हुआ दिखता है। जब वो तनीषा की आहट सुनता है तो वो तनीषा की तरफ बढ़ने लगता है। धुएं और लाइट ना होने की वजह से तनीषा अपना नहीं समझ पा रही थी, पर उसकी हल्की रोशनी से तनीषा को समझ आता है कि और कोई नहीं राज है। राज की काली आंखें थी और उस पूरे स्टोर रूम में खामोशी थी। तनीषा का राज को देखकर दिल जोरों से धड़कने लगता है। तनीषा के पैर वहीं जमे रहते हैं और राज ने आगे कहा। तनीषा आगे बढ़ती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव होता है और वो आगे बोलती है, राज जी, क्या ये सच में आप हैं? मैं सोच रही थी कि आपके भाई ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे लगा था कि आप अगले हफ्ते आने वाले हैं, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? तनीषा का पैर एक चीज से टकराता है और वो थोड़ी सी दूर ही खड़ी होती है, पर राज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तनीषा के सारे सवाल उसके गले तक ही रह जाते हैं। राज उसे देखता रहता है और अपना सिगरेट फेंकता है, जैसे कि राज से इंतजार नहीं हो रहा। वो तुरंत तनीषा को गले लगा लेता है। तनीषा बिल्कुल जैसे होश में आ जाती है, उसे काफी अच्छा लगता है। उस वक्त पर उसे लगता है जैसे वो किसी गुमनाम रहस्यमय दुनिया में है, जहाँ का उसे डर भी ना हो। भले ही तनीषा और राज अब बहुत वक्त से डेट कर रहे थे, पर उसे हर बार ऐसा लगता है जैसे वो कभी राज के इतने करीब रही ही नहीं। राज की आंखों में हमेशा एक अजीब सी तन्हाई होती है, जो बार बार तनीषा को अपनी तरफ खींचती है। पर आज जब राज उसे गले लगाया, तब तनीषा को ऐसा लगा जैसे राज उसे खोने से डर रहा हो। तनीषा का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और वो राज की बाहों में जैसे जम सी गई थी। और तभी तनीषा को राज की बात याद आ रही थी कि राज उसे कितना याद कर रहा था। राज अचानक से यहाँ आ गया एक स्टोर रूम में, क्योंकि तनीषा नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके रिश्ते के बारे में पता चले, और इसीलिए रोहित से उसने करवाया था। तनीषा ये सब सोचकर थोड़ा घबरा गई थी। कमरा बिल्कुल शांत था और तनीषा को अचानक से तभी एक आवाज आती है, बीप की। तनीषा राज की घड़ी की तरफ देखती है, जो अब घड़ी से ज्यादा कोई हेल्थ डिटेक्टर लग रहा था। जब भी राज परेशान होता है, ये बजने लगता है कि
क्या फिर से राज को कुछ हुआ? तनीषा परेशान सी हो जाती है और कहने लगती है, ये फिर से बज रहा है, क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तनीषा उससे अलग होने की सोच ही रही थी कि तभी राज ने कहा, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर रुको। वो कैसे ठीक हो सकता है? समीर ने कहा था कि उसकी हालत सही नहीं है। तनीषा ने आगे बोला, आप कैसे ठीक हो सकते हो? समीर सर ने कहा था आपकी तबीयत के बारे में, आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले सकते, और कैसे आप इस ट्रिप में चले गए? राज को तनीषा को उसके लिए परेशान देखकर काफी अच्छा लगता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। उसे पता था तनीषा आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी राज ने उससे आगे कहा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तनीषा चुप हो जाती है। राज ने उसे कहा था कि वो उसे मिस कर रहा है, पर इतना कि वो यहाँ आ जाए, वो खुद को काबू में रख रही थी, पर ये बहुत बड़ी चीज थी उसके लिए। राज उसे मिलने के लिए रोहित से उस जगह का इंतजाम भी करवाया जहाँ वो मिल सके। ये सब सोच सोच के तनीषा को बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले कि तनीषा ये सब सोचकर और उलझन बढ़ाए खुद के लिए, तभी तनीषा कहने लगी, मैं आपको बताने वाली थी, वक्त नहीं था, मेरी माँ अंकल नाना सबकी परेशानी दूर हो गई, थैंक यू। राज ने बहुत प्यार से बोला, तनीषा जी आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वो सब हुआ भी मेरी वजह से ही था, पर आपने कुछ नहीं किया था ना, वो सब एक गलत फहमी थी। तनीषा ने आगे बोला, मुझे बर्बाद करने के लिए कभी कभी गुस्से में आप कुछ कर जाते हो, पर आप ठीक करने के लिए उससे ज्यादा चीजें करते हो। मैं गुस्से में थी उस वक्त, इसलिए आपको बहुत कुछ बोल दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती आपके लिए। राज ने फिर से तनीषा को थोड़ा दूर किया और बोला, पता है क्यों? तनीषा ने हाँ में सर हिलाया। राज का सब कुछ हैंडल करने का तरीका बहुत अलग था, जो कि तनीषा को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। जब से तनीषा को समझ आया था कि राज आखिर है कौन, उसे लगा था कि वो कुछ भी कर सकता है, पर उसे समझ नहीं आता था कि उसने ऐसा किया ही क्यों। वो क्या है कि मुझे नहीं समझ आया, तनीषा ने कहा। अंधेरे में तनीषा की तरफ देखते हुए राज ने बोला, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता? तनीषा बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके दिमाग में जैसे अब ये बातें गूंज रही थी और जैसे फिर से उसकी धड़कनें बंद सी हो गई थी। वो बस किसी भी तरह खुद की बेचैनी को कम करना चाहती थी ताकि उसे कुछ शांति सा लगे, पर ये सब उल्टा हो रहा था। राज आखिर था कौन? वो जिसे कुछ दिन पहले देख रही थी, या ये जो उसके सामने खड़ा था? राज किसी रहस्य की तरह था उसके लिए। तनीषा ने राज से बोला, आपने रोहित सर से कहा था ये जगह ढूंढने के लिए? राज ने हाँ में सर हिलाया। ये काफी अच्छी जगह है, तनीषा ने बोला। आखिर राज और रोहित ही ऐसा कुछ कर सकते हैं इस पार्टी के बीच में। आप जल्दी आ गए, आपका काम पूरा हो गया? तनीषा ने राज से पूछा। बाकी ये काम में नहीं भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, राज ने तनीषा से कहा। अच्छा, मेरे भी सारे सीन आज खत्म हो गए, तनीषा ने बोला। मुझे पता है, राज ने जवाब दिया। उसे पता है कैसे? शायद रोहित ने बोला होगा। वो कहना चाहती थी राज से, जो कि उसने पहले कहा ही नहीं था, पर राज से वो उसकी तबीयत की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। उसने दोबारा राज की घड़ी की तरफ देखा, जो कि अब शोर करना बंद कर दिया था। तनीषा कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बहुत आराम से बोला, राज जी मेरी ना बहुत अच्छी दोस्त है एक, वो अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा मिली है, जिस वजह से उसे इस रिश्ते से जुड़ना पड़ा, पर अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, उसे सच पता है या नहीं। तनीषा को राज चुपचाप देख रहा था, पर तनीषा नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या सोच रहा है। वो कभी नहीं समझ पाती कि वो क्या चाहता है। आपको क्या लगता है राज जी? तनीषा ने बोला। दोनों के बीच में बहुत देर तक की खामोशी रहती है और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर बाद राज ने अपनी गहरी आवाज में बोला, एक अंतर होता है चीजों को देखते हुए उन्हें करना और सच्चे प्यार को समझना और उसके साथ रहना, और अगर चीजों को देखकर धीरे धीरे वो प्यार बढ़े तो गलत नहीं होता कुछ। प्यार शायद अजीब है, पर कुछ कहानियां ऐसे अजीब तरीकों से ही शुरू होती है और टिकती भी है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। तनीषा ने राज के अल्फाज कहीं सुने या पढ़े थे, आप क्या कहना चाहते हो? तनीषा ने राज से पूछा। राज थोड़ा आगे बढ़ा और चांद की तरफ देखते हुए उसने आगे बोला, अगर आप मुझसे एक बार झूठ बोलेंगी तो आपको हमेशा के लिए झूठ बोलना होगा। राज ने ऐसे इस सवाल का जवाब दिया हो जैसे तनीषा अपने दोस्त के बारे में नहीं खुद के बारे में कह रही थी। तनीषा को ऐसे लगा जैसे राज उसके अंदर झांक कर देख सकता है। तनीषा को जैसे झटका सा लगता है और वो बस राज की एक बात समझ पाती है, अगर उसने ये सब चीजों को देखते हुए किया है तो वो हमेशा एक झूठ के जाल में ही होगी और जो प्यार है उसे देख ही नहीं पाएगी। अगर राज को पता है कि वो झूठ बोल रही है तो क्या राज को इस बात की परवाह नहीं है? तनीषा को बहुत बुरा लग रहा था। राज को सब पता है अगर, और फिर भी उसके साथ है, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो तनीषा से इतना प्यार करता है? शायद हाँ, या फिर तनीषा पागल हो गई है।
अरे वो मेरी दोस्त के बारे में बता रही थी, मेरे बारे में नहीं। मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी, तनीषा ने आगे बोला। मैंने पहले ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ स्कैंडल में फंस गई थी। मुझे लगा कि इससे आपकी इमेज को नुकसान होगा, इसलिए मुझे तब से ये सब करना पड़ता है। तनीषा ने अपनी पूरी बात रखी। राज तनीषा का चेहरा देख के थोड़ा सोच में पड़ गया था। उसने शांति से कहा, देखो चीजों के हिसाब से अगर कोई चीज की जाए तो कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तनीषा ने कहा। तनीषा जानना चाहती थी कि राज के दिमाग में क्या चल रहा है। राज उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक झूठ सच भी हो सकता है। तनीषा बिल्कुल चुप रहती है। एक झूठ सच बन सकता है, उसे अब अजीब क्यों लग रहा था? उसे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए पहले से। तनीषा ने खुद को संभाला और आगे कहा, वो क्या है कि मेरे इस वजह के अलावा और भी वजह थी ब्रेकअप करने की। राज ने कुछ नहीं कहा, बस उसे सुनता रहा। ऐसा नहीं लगता कि जो आप असल में हो वैसे हो मेरे साथ, तनीषा ने राज से बोला। सच नहीं लगता है आपको ये? राज ने तनीषा से पूछा। हाँ, मतलब जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब आप बहुत शांत किस्म के लगे थे, पर आप गुस्सा भी कर रहे थे तो भी आप कहीं ना कहीं उस गुस्से को शांत करके रखे थे। उस दिन के बाद आप वैसे ही बन गए हैं। मुझे रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में, तनीषा ने बोला। तनीषा जैसे ही पूरी बात कर रही थी उसने आगे बोला, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है जैसे सिर्फ ये एक कैजुअल रिश्ता है। राज ने पूछा, कैजुअल? तनीषा ने कहा, हाँ। राज तनीषा की तरफ देखता है और बोलने लगता है, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है मेरे बारे में तनीषा जी। गलत फहमी? तनीषा ने पूछा। राज ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। तनीषा का हाथ पकड़ा। इसी बीच पार्टी में डिनर अभी शुरू होने ही वाला था, पर तनीषा अभी नजर नहीं आ रही थी। शनाया और बाकी सब सिर्फ देख रहे थे कि वो है कहाँ, यही इंसान क्यों नहीं है यहाँ, तनीषा नहीं है यहाँ। एक डी-लिस्ट एक्ट्रेसेस के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। मोहित को भी ये चीज अच्छी नहीं लगी और उसने बोला, हाँ तनीषा कहाँ है? रोहित आगे आया और बोला, मैंने उन्हें अभी वॉशरूम जाते हुए देखा है, वो यहाँ होगी कुछ देर में। हम लोग अपना वक्त जाया नहीं करते और शुरू करते हैं। सबके सब रोहित की बात सुनकर शांति से बैठ जाते हैं। रोहित तनीषा के साथ कुछ बहुत अच्छा था और ये सब देख रहे थे, पर रोहित नॉर्मली भी बहुत अच्छा था। और इस बात पर गौर किया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे तनीषा और रोहित के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे रोहित ने अपनी बात खत्म की वो अपना फोन निकालता है और राज को मैसेज करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसने तनीषा को कॉल किया ताकि उसे वो वक्त का याद दिला सके, पर तनीषा का फोन ऑफ था। रोहित अपना फोन देखता है और उसे अजीब लगता है। तनीषा इतनी देर तक गायब नहीं रह सकती, वरना किसी को कुछ पता चल जाएगा। उसी वक्त स्टोर रूम में तनीषा को अपने हाथों पर राज का हाथ महसूस होता है। राज उसकी तरफ देखता है, पर तनीषा उससे आंखें मिलाने की हिम्मत ही नहीं करती। पर दूसरे ही पल राज ने उसके चेहरे को उठाकर उसकी नजरों को खुद से मिलाने की कोशिश की। राज तनीषा के माथे पर किस करता है और तनीषा बिल्कुल बुत से खड़ी रहती है। राज उसके होठों पर बहुत प्यार से उसे किस करता है और अपनी धड़कनों के पास तनीषा का हाथ रख देता है। राज जो कि वैसे बहुत गुस्से में रहता था और हमेशा बहुत ठंडा सा रहता है, वो तनीषा के साथ इतना नाजुक कैसे रह सकता है? तनीषा कैसे बोल सकती है कि राज के लिए ये सिर्फ एक कैजुअल चीज है? राज की हरकतों से कैसे बोल सकती है वो ऐसा? ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस आदमी के सामने कोई और शांत हो सकता है, तनीषा ये सब सोच ही रही थी कि तभी राज उससे कहने लगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए ये सब कैजुअल है? तनीषा बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर राज की आवाज में वो कम सा सुनकर चुप रह जाती है। आखिर राज कैसे ऐसे बोल सकते हैं? कैसे उसे ये सब फील करा सकता है? कैसे वो तनीषा से प्यार कर सकता है? राज की धड़कनें काफी तेज थी और तनीषा ये समझ पा रही थी। तनीषा ये देखकर बहुत चौंक गई थी। तनीषा के दिमाग में इतनी चीजें चल रही थी कि अब उसका दिमाग खराब होने लगा था। जो राज का अलार्म था अब वो अचानक से बंद हो गया था। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। तनीषा दरवाजे की तरफ मुड़ती है। इस सुनसान जगह पर आखिर कौन आएगा? तनीषा ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज से तनीषा का ध्यान रुकता है। बड़े भैया, भाभी, रोहित सर, तनीषा ने कहा। उसने चैन की सांस ली और स्टोर रूम का दरवाजा खोला। रोहित अपने भाई को देखता है और बस सोचता है कि काश उसने उन दोनों को परेशान नहीं किया होता। रोहित ने कहा, बड़ी भाभी सब खाने के लिए बैठ गए हैं, आप इतने देर से गायब है, किसी को पता चल जाएगा। मैंने आप दोनों को बुलाया था पर किसी ने फोन नहीं उठाया, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, इसीलिए आपके पास आ गया। तनीषा अपना फोन देखती है और उसका फोन बंद हो गया होता है। तनीषा को रोहित की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उन दोनों के लिए वो यहाँ तक आया। रोहित ने तनीषा और राज का हाथ देखा।
दोनों ने अभी तक एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था, जो कि उसे काफी अजीब लगा था। उसके भाई को रोहित ने कभी ऐसे किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। तनीषा में कुछ तो बात थी। मैं माफी चाहूंगी, मैं भी आती हूँ, तनीषा ने कहा और फिर राज की तरफ देखा। राज जी, मुझे जाना होगा, वो अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिली है, कुछ खराब काम तो किया नहीं उसने। सबसे खराब बात तो ये थी कि रोहित, जो कि पूरी इंडस्ट्री का सबसे अच्छा एक्टर है, उसे तनीषा के लिए इतना करना पड़ रहा है। वो आगे बढ़ी ही थी कि पर वो आगे नहीं रोहित के साथ जा सकती थी। वो राज की तरफ दोबारा मुड़ती है और उसे समझ आता है कि राज ने उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ है। राज उसे जाने ही नहीं देना चाहता था और फिर अचानक से राज की घड़ी बजने लगती है, जो कि अभी तक बंद थी। रोहित और तनीषा बिल्कुल चुप थे। रोहित खांसता है और पहले वहां से निकल जाता है। वो काफी नॉर्मल रिलेशनशिप में थे और फिर भी राज उसे ऐसे मिला। उसे मिलने के बाद अब उसे जाना ही होगा। तनीषा ने राज को देखा और समझाने की कोशिश की। वो काफी गुमसुम सा लग रहा था और पता नहीं क्यों तनीषा को बहुत बुरा लगा था। यार शायद मुझे कोई एक्सक्यूज बनाना पड़ेगा वहां ना होने के लिए, ये भी कर सकते हैं, तनीषा ने कहा। और जैसे उसने ये बात बोली, वो खुद को कोसने लगी। उसने सोचा था कि वो प्यार की वजह से काम को नहीं हटाएगी, पर अब कौन इग्नोर कर रहा है काम को प्यार की वजह से? आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। राज तनीषा की तरफ देखता है, जो कि अभी भी बहुत परेशान सी थी। उसकी लाचारी को देखते हुए राज बोलता है, कोई बात नहीं, पर आप। तनीषा ने राज की घड़ी की तरफ देखा, जो कि अभी भी बहुत जोर से बज रहा था। राज की धड़कनों को सुनने के बाद, इस घड़ी की आवाज सुनने के बाद, तनीषा नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से राज का मूड खराब हो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, राज ने तनीषा से बोला। और कुछ देर बाद उसकी घड़ी बजना बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे राज का दिमाग अब आखिरकार शांत हुआ है। तनीषा को काफी बुरा लगता है इस बात का और वो खुद को बुरा बनाते हुए कहने लगी, मैं माफी चाहूंगी राज जी, हम लोगों के बीच में चीजें इतनी उलझी हुई है और मैं सबके सामने आपको ला भी नहीं सकती खुद की वजह से। राज ने मुस्कुराते हुए बोला, एक रास्ता है जिससे हम लोग खुलेआम मिल सकते हैं। तनीषा ने पूछा, हाँ पर वो कैसे? राज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बोला, अभी आप जाइए। ओ, तनीषा ने बोला और वो निकलने के लिए मुड़ी। रोहित वहीं खड़ा था उनकी निगरानी के लिए। उसे डर था कि कहीं कोई उन लोगों को देख ना ले। मैं माफी चाहूंगी रोहित सर, आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, तनीषा ने बोला। कोई बात नहीं भाभी, बस आप पार्टी में मेरे साथ नहीं रहना वरना वहां परेशानी हो जाएगी, रोहित ने बोला। उसने तनीषा की तरफ देखते हुए आगे कहा, बड़ी भाभी, आपका और भैया का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है। वो भागे भागे आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा जैसे वो आपके साथ है। क्या सच में? रोहित से तनीषा ने पूछा। हाँ, यहाँ तक कि भैया के लिए जो काम करती थी उसे भी भैया ने काफी अच्छा सबक सिखाया। आप उस चीज को दिल पर मत लेना, वो दोबारा नहीं होगा, रोहित ने आगे बोला। उसका भाई अभी अभी दोबारा तनीषा से मिला है। वो नहीं चाहता था कि तनीषा और उसके भाई का रिश्ता किसी वजह से खराब हो। तनीषा को जलन सी होती है और वो रोहित से पूछती है, रोहित जी, क्या वो लड़की आपके भाई को पसंद करती है? रोहित ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र मत करो। सच में? तनीषा ने पूछा। हाँ भाभी, वो बस भैया के लिए काम करती है और कुछ नहीं, आप फिक्र मत करो, रोहित ने तनीषा से कहा। रोहित और तनीषा स्टोर रूम से निकलते हैं और वो लोग सीढ़ियां लेने ही वाले थे कि तभी दोनों किसी से टकराते हैं। सीढ़ियों के पास में आदित्य सिगरेट पी रहा था और अचानक से जब तीनों टकराते हैं, आदित्य, रोहित और तनीषा बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आदित्य का सिगरेट उनके हाथ से गिर जाता है और वो तनीषा और रोहित को उस खाली कमरे से निकलता हुआ देख बहुत चौंक जाता है। तनीषा और रोहित साथ? तुम और रोहित, तुम दोनों? कि अभी अभी आदित्य ने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट पकड़ लिया था। वो तो ऐसे ही तनीषा को परेशान कर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड इसी गाड़ी में है। उसने सबका नाम लिया था पर वो रोहित के बारे में भूल ही गया था। तनीषा और रोहित, ये कैसे हो सकता है? तनीषा बिल्कुल चुप थी। उन दोनों ने इतना सोच समझ कर काम किया, फिर भी ये सब कैसे हो सकता है? और उन्हें टकराना भी था तो किसी और से नहीं, आदित्य से क्यों, जो कि सबकी नजरों में तनीषा का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है। तनीषा और रोहित जहाँ थे वहाँ कोई आता जाता नहीं था, तो ये कैसे समझ आएगा कि आदित्य वहाँ आ सकता है? ये इतने अंधेरे कमरे के आसपास आएगा ही क्यों इतनी रात में? रोहित चिढ़ सा जाता है आदित्य को देखकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, खाने नहीं बैठे तुम? तनीषा ने जरा गुस्से में पूछा। आदित्य शांत सा खड़ा था, वो अभी भी शौक से उभरा नहीं था और उसने बोला, अंदर बहुत भीड़ हो रही थी और मुझे सिगरेट पीनी थी तो मैं यहाँ आ गया। तुम दोनों यहाँ? तनीषा ने उससे पूछा। अगर मैंने कहा कि हम लोग भी ऐसे ही आए थे यहाँ हवा खाने के लिए तो आप मानोगे? आदित्य ने बोला। तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगा? तनीषा चुप खड़ी रहती है, उसे नहीं लगा कि आदित्य उसका भरोसा करेगा। आदित्य तनीषा की तरफ देख रहा था और फिर उसने कहा, हे भगवान, तनीषा तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोहित है।
रोहित और तनिषा दोनों चौंक जाते हैं। आदित्य ने ये चीज गलत समझ ली थी, राज और रोहित में फर्क है, पर तनिषा को उसे नहीं बताना था। आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तनिषा और रोहित, तुम दोनों कैसे शांत रह सकते हो? तनिषा गुस्से से आदित्य को देखती है और बोलती है, क्या गलत है इसमें? आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? आदित्य को ऐसा भरोसा क्यों नहीं हो रहा था? तनिषा रोहित की गर्लफ्रेंड हो सकती है? बेवकूफ कहीं का। उसे इतना बड़ा झटका लगा था ये देखकर कि रोहित उसका बॉयफ्रेंड है। अगर उसे पता चला कि असल में उसका बॉयफ्रेंड कौन है, तब वो जिंदा ही नहीं बचेगा। मैं क्यों नहीं चौंक सकता? अगर इंडस्ट्री में इस बारे में किसी को पता चला तो क्या होगा, तुम्हें नहीं पता? आदित्य ने आगे बोला। तनिषा हाँ में सर हिलाती है और रोहित आदित्य से कहने लगता है, देखो आदित्य, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तनिषा ने बोला, हाँ, आपने किसने कहा कि मैं और रोहित सर, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है? तनिषा को बीच में ही आदित्य रोकता है और बोलने लगता है, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया, फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, एक शब्द नहीं निकालूंगा अपनी जुबान से, आदित्य ने कहा और आगे मुस्कुराते हुए बोला, मैं आप दोनों को परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। उसके जाते ही रोहित एक लंबी सांस लेता है। वो कैसे समझाएगा किसी को, या तनिषा भी किसी को कैसे समझाएगी? रोहित तनिषा को देखता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगी। उसे संभालते हुए रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि उसे समझाकर कोई फायदा नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। आदित्य उतना बुरा भी नहीं है, वो बड़बोला नहीं है तो कुछ नहीं होगा, उम्मीद तो सिर्फ किसी की कर सकते हैं, तनिषा ने कहा। तनिषा बस यही सोचकर खैर मना रही थी कि अच्छा हुआ आदित्य राज और उसके बीच में नहीं आया। आखिरकार तनिषा और रोहित वहां से बाहर निकल पाए थे और कोई उनसे दोबारा नहीं टकराया। तनिषा, रोहित और आदित्य अलग अलग वक्त पर वहां पहुंचते हैं, पर इस वजह से ऐसा नहीं था कि किसी ने ये बात नहीं समझी हो। सबको ज्यादा गुस्सा इस बात का भी आ रहा था कि आदित्य जो कि पहले रोहित के पास बैठा था, उसने जैसे तनिषा को देखा वो अपनी सीट से उठा और तनिषा की तरफ बढ़कर उसने तनिषा से कहा, तनिषा जी, आपकी सीट ज्यादा सही नहीं लग रही है, आप मेरी सीट क्यों नहीं ले लेते? हाँ ये बैठिए, उसने कहते हुए तनिषा को अपनी सीट पर बैठा दिया। वो तनिषा की तरफ देखता है और तनिषा को समझ आ जाता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। तनिषा पहले आदित्य को देखती है, फिर वो रोहित की तरफ देखती है। अब तनिषा को भी लग रहा था कि कितना जरूरी होता है कि कोई जरूरत में मदद करे। आदित्य को तो ये लगता था कि रोहित और तनिषा साथ है, इसीलिए उसने ये किया, इसीलिए उसने रोहित और तनिषा को साथ बैठा दिया। सबसे खराब बात जो थी वो ये कि रोहित के साथ दूसरे सीट पर अंश बैठा हुआ था, अंश के बगल वाली सीट पर शनाया, जिसे अब तनिषा को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। तनिषा ने बहुत मुश्किल से ये सीट ढूंढ ली थी जिससे वो इन सबसे दूर रह सके। आदित्य ने सब खराब कर दिया। बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ये देखकर बुरा लगा था, और जब उन्होंने आदित्य को तनिषा के लिए अपनी सीट बदलते देखा और ये देखा कि रोहित के सामने तनिषा को बिठाया गया है, तो सबको बहुत गुस्सा आता है। और अगर किसी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है तो वो थी शनाया। शनाया, आप इस मूवी में मेन एक्ट्रेसेस हैं, आपको वहां होना चाहिए था रोहित सर के साथ। तनिषा की औकात भी नहीं है कि वो रोहित सर के साथ बैठे, शीना ने शनाया से कहा। पहले पहले शीना को किसी ने नहीं बुलाया था क्योंकि वैसे भी वो लोग बहुत कम लोगों को बुला रहे थे, पर शीना अंश और देविका से जुड़ी हुई थी जिससे उसे बहुत मदद मिली थी। मोहित और करण को उसे बुलाना पड़ा था, अंश उसका होने वाला जीजा था और इस वजह से शीना बहुत बच बच कर बातें करती थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब सुन पा रहे थे। सबको ऐसा लगा जैसे तनिषा ने रोहित और आदित्य दोनों को फंसा लिया हो। तनिषा को भी ये बात समझ आ रही थी जिससे वो सबसे ज्यादा गुस्से में थी। उसने खुद को कैसे भी काबू में किया, उसकी इज्जत वैसे भी नहीं है और अगर यहाँ उसने सांस भी लिया तो भी लोग उसके बारे में बातें करेंगे। तनिषा ने यही सोचा कि अब उसे कुछ और चीज सोचना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तभी करण खड़ा होता है और बोलने लगता है, बहुत अच्छे, सबके सब यहाँ आ गए, चलो चीयर्स करते हैं। आज आधी से ज्यादा शूटिंग और आधी एक्टर की शूटिंग हो गई है। तनिषा और शनाया के अलावा भी एक्टर्स थे जिनके सीन खत्म हो गए थे। शनाया के आज के सारे सीन पूरे हो गए हैं, उसके लिए चीयर्स करना चाहूंगा, जानबूझकर मोहित ये चीज कहा। भले ही तनिषा के भी सारे सीन पूरे हो गए थे, वो बस एक सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस है और कुछ नहीं। थैंक यू मोहित सर, मुझे ये मौका देने के लिए, शनाया ने बोला, पर मोहित तारीफों की पुल बांधते हुए बोलता है, शनाया तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे पता है कि मूवी बहुत अच्छे से चलेगी हमारी, तुम जो हो इसमें। शनाया ने शर्माते हुए रोहित की तरफ देखा और बोला, नहीं, रोहित सर भी तो है और जो भी होगा उनका उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा होगा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। रोहित ने शनाया की बात का कुछ रिएक्शन नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। शनाया वो थी ही नहीं जो वो पहले रह चुकी है, वो अभी भी देविका की कंपनी में आई है और वो बहुत इन्वेस्ट दिलवा सकती है। मोहित अपने काम के लिए शनाया की जितनी भी तारीफ करे कम है,
आगे मोहित उससे कहता है, हमारे अवार्ड विनिंग एक्टर रोहित सर की एक्टिंग स्किल्स कमाल की है, पर आप में भी काबिलियत कम नहीं है। आपने इतनी कम उम्र में कितने अवार्ड जीते हैं और सबको बताया है कि आप में कितना टैलेंट है। बहुत कम एक्ट्रेसेस होते हैं जिनमें इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल हो। सुंदरता और टैलेंट को मिलाकर ही कोई अच्छा एक्टर बनता है, बिल्कुल हमारे रोहित सर की तरह। आप दोनों ही तो हो जिसकी वजह से ये मूवी चलेगी। मोहित बहुत वक्त से इस इंडस्ट्री में था और उसे अच्छे से पता था कि कैसे लोगों को चने के झाड़ पर चढ़ाना है ताकि वो खुद का काम निकाल सके। और हुआ भी यही। शनाया मोहित की बातें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। खुद को संभालते हुए आगे शनाया ने बोला, हाँ बहुत अच्छे हो मोहित सर, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, सीखना है। मुझे भरोसा है कि कोई सीमा नहीं होती है सीखने की, बस काम करना पड़ता है और कुछ नहीं। शनाया ने आखिरी लफ्ज तनीषा की तरफ देखते हुए कहे। शीना ने आगे बोला, बिल्कुल सही कहा आपने शनाया, इंडस्ट्री में आप जैसे एक्ट्रेसेस की जरूरत है। कुछ लोगों के पास सिर्फ स्कैंडल्स होते हैं, टैलेंट नहीं। मैंने सुना है कि एक रोहित सर के साथ सीन शूट करने में कितने सारे टेक्स लेने पड़े, सबको ज्यादा दिन रुकना पड़ा। एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, बस हमारे प्रोडक्शन का वक्त खराब हो रहा है। शीना की बातों से समझ आ रहा था कि शीना किसके बारे में कहना चाह रही है। प्रोडक्शन टीम को दो टीम में बांटा पड़ा था और बहुत कम लोग थे जिन्होंने तनीषा की एक्टिंग देखी थी। बहुत सारे एक्टर्स ने तनीषा के साथ काम नहीं किया था, जिस वजह से लोग तनीषा को घटिया एक्टर ही समझते थे। पर करण, रोहित, राजमीत, सबको तनीषा की एक्टिंग स्किल्स के बारे में पता ही था। सबसे ज्यादा राजमीत को, जिसे तनीषा बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। राजमीत शीना की ये बात सुनकर गुस्सा करता है। भले ही उसे तनीषा ना पसंद हो, उसे तनीषा की एक्टिंग से कोई दिक्कत नहीं थी। उसे हमेशा से एक सही एक्ट्रेसेस लगी थी तनीषा, और उसकी बाकी प्रोडक्शन के हिसाब से ये फिल्म पूरा शूट काफी आरामदायक रहा था उसके लिए। उसे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा कि तनीषा ने कितने टेक्स लिए थे एक सीन के लिए। राजमीत के साथ एक टेक में ही ज्यादातर काम उसका बन जाता था, और तनीषा की मेमोरी भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उसे लाइन्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। शायद कोई प्रोफेशनल नहीं थी तनीषा, जिस वजह से यह दिक्कत हुई हो। रोहित इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि इससे दिक्कत फिर तनीषा को ही हो जाएगी। और उसे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मूवी आने के बाद सबको समझ आ जाएगा कि तनीषा कितनी अच्छी एक्ट्रेसेस है। रोहित के इतने वक्त के एक्सपीरियंस से इतना तो वो जानता था कि तनीषा ने अपने किरदार में जान फूंक दी थी। भले शनाया की कितनी भी तारीफ क्यों ना हो, रोहित जानता था कि तनीषा से उसका कोई मेल नहीं है, और ये बात सबको जल्द पता चल जाएगी। यहाँ डिनर टेबल पर सबके सब खाने पीने में बिजी थे, पर रोहित के साथ वाली सीट पर था तनीषा सिर्फ खाने के लिए अपना सर झुकाती है, और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई उसे देख न सके। खाना पीना हो ही रहा था कि तभी कोई एक क्रू मेंबर अंदर आता है और आकर मोहित के कान में कुछ कहने लगता है, क्या देविका कपूर यहाँ आ रही है? मोहित, जो कि चौंक गया था ये सुनकर, अचानक से दरवाजा खोलता है और देविका अंदर आती है। तनीषा, वाह देविका कपूर, देविका दी। सारे के सारे देविका का स्वागत करते हैं। अंश, जो कि पूरे डिनर के वक्त बहुत उदास था बैठा था, अब वो खुश हो गया था। अंश तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पूछता है, देविका जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? देविका ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे यहीं पर एक डिनर पार्टी में जाना था, मुझे पता चला कि आप भी वहाँ हो तो मैं आ गई आपसे मिलने। देविका मोहित और करण की तरफ देखते हुए बोलने लगी, मैं ऐसे आने के लिए माफी चाहूंगी। मोहित ने कहा, देविका जी आप ऐसे नहीं बोलिए, हमें तो आपको देखकर बहुत खुशी होती है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आई हैं। आइए बैठिए हमारे साथ। शनाया, जो कि अंश के पास में ही बैठी हुई थी, उसने देविका से बोला, आओ आप यहाँ पर बैठो देविका। अंश उसका हाथ पकड़ कर बोलने लगा, मुझे लगा आप बिजी हैं, आपसे ज्यादा कुछ मायने रख सकता है मेरे लिए अंश? देविका ने बहुत प्यार से कहा। तनीषा, जो कि खड़े होकर देख रही थी ये सब, वो बस यही सोच रही थी कि कैसे हर एक चीज बदलती है। तनीषा ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, अंश उसके लिए पूरी दुनिया था। देविका राजमीत की तरफ मुड़ती है और बोलती है, राजमीत मैं आपके गाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है कि ये काफी अच्छा होगा। राजमीत, जो कि पूरी रात बहुत थका सा लग रहा था, उसने बोला, शुक्रिया। देविका के पीछे सबके सब अब घूमने लगे थे। वो बिल्कुल किसी परी की तरह थी, तो सब उसे बहुत पसंद करते थे, चाहे वो राजमीत हो या आदित्य। अंश की आंखों में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए प्यार दिख रहा था। आपने खाना खाया था देविका दी? आपको जाना था ना कहीं? शीना ने देविका से पूछा। देविका ने बोला, हाँ मैं डायरेक्टर जोसेफ के साथ थी। शीना की आंखें चमक जाती है और वो खुशी की मारी बोलने लगती है, वाह वो तो बहुत जाने माने डायरेक्टर है हॉलीवुड के, मैंने सुना था कि वो रेसिंग पर मूवी बना रहे हैं। सारे के सारे शीना की बात सुनकर बहुत खुश हुए। डायरेक्टर जोसेफ हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर थे और सारे के सारे टॉप एक्टर्स उस मूवी में काम करते थे। देविका ने सिर्फ मुस्कुराया और शनाया ने बोला, ये तो कन्फर्म है कि देविका जी को ही मूवी मिलेगी, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ये, और खुद डायरेक्टर जोसेफ ने बुलाया है उन्हें। वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है, शीना ने देखते हुए कहा। देविका ने बोला, मुझे रेसिंग बहुत पसंद है तो मुझे कुछ चीजें पता है, इसके अलावा मैं बस लकी निकली,
डायरेक्टर के हिसाब से मैं बिल्कुल सूट करती हूँ उस रोल के लिए। आप सिर्फ इंटरेस्टेड ही नहीं रेसिंग में, बिल्कुल प्रोफेशनल है आप, शनाया ने बोला। शीना तनिषा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शनाया आपकी कंपनी में क्यों आई है, वैसे भी टैलेंटेड लोग एक ही जगह रहे तो बेहतर है। देविका तनिषा की तरफ देखती है और बोलती है, तनिषा मैं मिलना भूल ही गई तुमसे, कुछ ही देर हुई है अभी यहाँ आए, मैंने सुना तुमने अपने पूरे रोल कर लिए हैं, बधाई हो। अंश बस तनिषा को देख रहा था जब देविका उससे बात कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे डर हो कि देविका के साथ कुछ करना दे तनिषा। वो वही था जो कभी तनिषा को पसंद करता था, उसके खुद के पैरों में खड़े रहने की वजह से तनिषा ने हमेशा सिर्फ उसी से प्यार किया था। अंश भी जानता था कि वो किसी के साथ बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत प्यार कर सकती है। अपने सबसे बुरे वक्त में वो तनिषा से मिला था और तब सिर्फ तनिषा ही उसके साथ खड़ी थी। वो उसे उस वक्त बहुत पसंद करता था, पर था तो वो एक लड़का ही, कैसे किसी लड़की पर निर्भर हो सकता था। जब तनिषा वापस इस देश में आई थी तब उसने अंश से कहा था कि देविका का ध्यान रखे। जहाँ तनिषा अपने पैरों पर खड़ी एक लड़की थी, वहीं देविका बिल्कुल शांत स्वभाव और निर्भर हो गई थी अंश पर, जिस वजह से अंश उसके साथ रहना पसंद करता था। जब देविका और उसके रिश्ते के बारे में तनिषा को पता चला तो अंश को बहुत बुरा लगा था। उसने पूरी कोशिश की कि तनिषा के साथ सब ठीक करे, पर तनिषा के गुस्से में तनिषा ने बहुत बार देविका के लिए मुश्किलें खड़ी की थी। उसकी नजर में तनिषा अंश के लिए जैसे बदल सी गई थी, और जो प्यार था अंश के दिल में वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, और उसकी जगह देविका के लिए फिक्र और प्यार था। तनिषा अपनी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती थी, पर अंश के चेहरे को पढ़कर उसे भी गुस्सा आया था। तनिषा अब इन दोनों की वजह से खुद को बर्बाद नहीं करेगी, और उसने ये सोच लिया था। तनिषा ने मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, अच्छा लगा आपके यहाँ आने से। तनिषा के इस बेफिक्री से देविका को अजीब लगता है। तनिषा सब कुछ खो चुकी है, फिर भी किस बात की अकड़ बची है उसमें। अंश को अच्छा लगता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर तनिषा को इतना शांत देखकर उसे भी काफी अजीब लगा था। उसने कभी तनिषा को इतना शांत नहीं देखा था। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनिषा बहुत बेफिक्र लड़की थी जिसमें फिक्र का कोई भी निशान नहीं रहा था, पर वो प्यार में अंधी भी हो चुकी थी पहले। देविका के साथ दिक्कतें होने के बाद वो बहुत उदास रहती थी। अंश ने तनिषा को ऐसे नहीं देखा था, वो बहुत आराम से थी, जैसे उसे फिक्र ही ना हो किसी चीज की। शीना तनिषा को देखते हुए कहने लगती है, और वो बोलती है, देविका दी आप तनिषा से बात भी क्यों कर रहे हो, उस बेशरम ने तो आपके बॉयफ्रेंड के साथ कितनी अफवाहें फैलाई है, सब बहुत बेसब्री से अब देखने लगे कि होने क्या वाला है और फुसफुसाने लगे। तभी तनिषा मुस्कुराते हुए कहने लगती है और अपने ग्लास से ही घूंट लेते हुए कहने लगी, शीना यहाँ प्रोडक्शन के इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, मेरे सामने ही रोहित सर हैं, अगर मुझे इस्तेमाल करना होगा तो मैं उनका करूंगी ताकि अच्छे ऑफर्स मिले, उनका नाम तुम्हारे जीजा जी से ज्यादा ही है, मैं रोहित सर को देखा कर उस इंसान की तरफ क्यों जाऊंगी जो सिर्फ एक कैमियो कर रहा हूँ। रोहित हंसने लगा, फिर आगे तनिषा ने कहा, अगर मैं आदित्य सर के साथ भी स्कैंडल में पकड़ी गई तो भी स्कैंडल के नजरिए से मेरा फायदा होगा, क्योंकि हम दोनों के स्कैंडल मिलाकर शायद ही यहाँ किसी के उतने स्कैंडल होंगे। आदित्य बिल्कुल चुप खड़ा रहता है, सबसे ज्यादा स्कैंडल्स, ये क्या मतलब था किसी को समझाने का। तनिषा के ग्लास में शराब थी और उसने एक घूंट में पूरी ग्लास खत्म करते हुए कहा, मैं माफी चाहूंगी पर अगर आज भी मुझे कोई स्कैंडल करवाना होता तो मैं किसी आम के साथ नहीं करूंगी। तनिषा को इन सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्व हो खुद पर, जिसे देखकर शीना को काफी गुस्सा आया था। शीना ने गुस्से में बोला, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम कैसे कह सकती हो कि अंश सर तुम्हारे लायक नहीं, जानती भी हो ये कौन है, क्यों पीछे पड़ी थी फिर तुम इनके। तनिषा ने कहा, वो क्या अकेले हैं जो अच्छे हैं, और नामी परिवार से हैं, राजमीत वाजवा भी है यहाँ और अंश उनके सामने कुछ नहीं है, राजमीत तनिषा को देखता है क्या। आगे तनिषा ने बोला, और अगर अच्छे और जवान दिखने की बात करे एहसास सर भी कम नहीं है अंश से, एहसास भी तनिषा को देखता है क्या। तनिषा ने ऐसे ही सबका नाम ले लिया था इस टेबल पर, रोहित आदित्य एहसास राजमीत। शीना ने गुस्से में बोला, तुम बहुत बेशर्म हो, तुम ही थी जिसने ये कहा था कि अंश राजपूत तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। तनिषा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, हर इंसान कभी कभी अंधा हो जाता है। शीना और बाकी सब तनिषा की ये बात सुनकर चौंक गए थे। रोहित को तनिषा की हर बात पर हंसी आ रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तनिषा के शब्द काफी थे किसी को भी मारने के लिए। अंश तनिषा को गुस्से से दिख रहा था और तनिषा को देख के समझ आ रहा था कि वो जरा से नशे में है। किसी तरह मोहित बीच में आता है और सब कुछ धीरे धीरे शांत होता है। थोड़ी देर बाद डिनर खत्म होता है। शीना देविका के साथ खड़ी थी, उसने बोला, तनिषा बहुत बेशर्म है, मैं कभी किसी ऐसे से नहीं मिली जो इतना बेशर्म हो। शनाया ने मुस्कुराते हुए बोला, उसे हर एक चीज का फायदा उठाना है, देविका बस सोच रही थी इतना बदलाव तनिषा में आया कैसे। शीना ने कहा,
देविका दी आप फिक्र मत करो, उस बेवकूफ से एक्टिंग होने से रही। मैंने खुद सुना है उसने एक सीन के लिए 1000 टेक लिए हैं आज, और हमारे प्रोडक्शन में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं। शनाया को ही देख लो आप, मूवी आने पर बहुत बदनामी होगी उसकी। शनाया ने आगे बोला, उसने खुद की मौत खुद ही बुलाई है ये कह करके कि वो 3 महीने में सब ठीक कर देगी। देविका ने एक लंबी सांस लेते हुए बोला, बेचारी नेहा, बुरा लग रहा है अब उसके लिए, क्या कुछ नहीं कर सकती थी वो। शनाया ने आगे कहा, देविका जब मूवी में आएगी हम और कुछ भी कर सकते हैं जिससे उसे इंडस्ट्री से निकाल फेंक सके। पार्टी के बाद तनिषा घर वापस आती है, उसके नाना ने उसे अभी कॉल किया था जो कि उसे आने को कह रहे थे घर पर लंच के लिए। तनिषा की शूटिंग खत्म हो गई थी और अब उसके पास करने को कुछ था भी नहीं। तनिषा ने हाँ कहा जाने के लिए। दूसरे दिन तनिषा ने एक टैक्सी ली और निकल गई। सिन्हा परिवार के घर में बहुत भीड़ थी क्योंकि उनकी टीम के सभी लोग आए थे। नाना जी, मुझे नहीं लगता कि तनिषा दी को शेखर भैया का नेविगेटर बनना चाहिए। मेरी नेविगेटर क्यों नहीं बन सकती वो, हमने अच्छा काम किया है पहले भी, अभय ने अपने नाना से कहा। इस बात पर शेखर के पिता ने हंसते हुए बोला, अभय, तनिषा की स्किल्स इतनी खराब भी नहीं है, उसे शेखर के साथ रहने देंगे तो सही होगा, उसे तुम्हारे साथ रख के उसके टैलेंट को बेकार नहीं कर सकते हम। गुस्सा मत करना, मैंने वही कहा जो सच है। वो आई क्यों नहीं अब तक, वक्त कितना हो गया है देखो। सिन्हा परिवार की टीम की एक नेविगेटर ने बेसब्री से कहा, अच्छी नेविगेटर है वो, पर अभी भी सूरज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर आज सूरज बीमार नहीं होता तो शेखर को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, एक और सदस्य ने ये बात कही। सभी को पता था कि तनिषा बहुत अच्छी है इस मामले पर, कोई एक लड़की की तारीफ नहीं करना चाहता था इस मामले में, उन्हें लगा कि उस दिन कमेंटेटर ने ज्यादा ही कह दिया था। तुम्हें क्या लगता है उसने उस दिन रेस ट्रैक पर जो भी किया था सोच समझ कर किया था, एक सदस्य ने दूसरे सदस्य से पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता, वो कोई थर्ड लेवल के नेविगेटर तक नहीं कर सकते, वो कैसे कर लेगी, उसने शायद बस रोड के हाल पर ध्यान रखा होगा, और कोई भी नेविगेटर कर सकता है ये। सही कहा, और वो साइड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, एक और सदस्य ने पूछा। मुझे लगता है कि वो अभय से गलती से हुआ था, तनिषा का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये किसने कहा कि इन सब में तनिषा का कोई हाथ नहीं है, अभय जो कि सबकी बातें सुन रहा था उसने सबकी बातें सुनकर कहा। वो तनिषा दी थी जिसकी वजह से, क्या कह रहे हो तुम, सूरज वहाँ आता है और अभय से पूछता है, अभय को खुद पर भरोसा नहीं था, वो साइड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बहुत अच्छे से हुई थी और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कैसे तनिषा ने कर लिया। मुझे नहीं पता पर वो हम दोनों ने कर लिया था, अभय ने बोला। हाँ वो तो हमें पता है पर तुमने किया कैसे, मतलब तुम्हारे अलावा और कौन करेगा, सूरज ने हंसते हुए कहा और आगे बोला, तुम ये बताओ कि तुमने ये आखिरकार किया कैसे। अभय जानबूझकर चुप रहा और आगे बोला, वो तनिषा दी ने मुझे ब्रेक लगाने बोला और उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया। सबके सब अभय की तरफ देख रहे थे और फिर सब हंसने लगे। तुम खुद की बात सुन भी रहे हो अभय, तुमने जो भी किया सिर्फ ब्रेक्स पर पैर रखकर, तुमने जो भी किया सिर्फ ब्रेक्स पर पैर रखकर कर दिया, ये तो पूरा लक है तुम्हारा, सूरज ने बोला। मैंने तो कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है अच्छे से, जैसे तनिषा दी ने कहा मैंने वैसा किया। अभय तुम प्रोफेशनल रेसर हो और अगर तुमने ये बात किसी से भी कही तो वो बहुत हंसेंगे। तनिषा की अच्छी नेविगेटर स्किल्स है, उसकी तुलना कर सकते हैं, पर तुम रेसर हो, सूरज ने हंसते हुए अभय से कहा। तनिषा ने जो भी कहा था बहुत आसान था और अभय का हाथ भी नहीं था स्टीयरिंग व्हील पर, जिस वजह से अभय को ये पता ही नहीं था कि ये सब हुआ कैसे। उसे नहीं पता था कि वो क्या कहे, कुछ वक्त में WW के साथ तो रेस है ही और अगर वो लोग भी जीते हैं तो वो लोग तनिषा का काम रेस ट्रैक पर देख ही पाएंगे। वो कोई रेली रेस नहीं थी पर नॉर्मल रेस ट्रैक पर रेस थी और उन्हें किसी नेविगेटर की जरूरत नहीं थी, उसमें तो तनिषा शायद खुद से ही रेस में हिस्सा ले। सूरज, तुम्हें लगता है कि शेखर के लिए तनिषा नेविगेटर बन पाएगी, नाना जी ने सूरज से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना उसे सिखाने के लिए, सूरज ने कहा। बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, नाना जी ने सूरज से कहा। तभी तनिषा अंदर आती है अपने हाथ में बहुत सारे सामान के साथ। तनिषा तुम आ गई, नाना जी ने उसका स्वागत करते हुए कहा और तनिषा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं आपके लिए कुछ लाई थी नाना जी, तनिषा ने अपने नाना से कहा। तनिषा को पैसे मिले थे अपने पूरे शूट के बाद, जिससे अब तनिषा अपने नाना जी के लिए कुछ लेकर आई थी। तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं बेटे, मैं क्या ही करूंगा, तुम खर्च मत करो और बैठो अब, तनिषा के नाना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ही होगा, तुमने ये मुसीबत बुलाई है हम पर, शेखर तनिषा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहने लगा और बोला, अगर तुम नहीं होती तो हम इस ZH1 और WW के बीच में परेशानी में नहीं फंसते। तनिषा शेखर की तरफ देखती है, इससे पहले कि वो शेखर के बारे में कुछ कह सके और उसका मुंह बंद कर सके, नाना जी सामने आते हैं और कहने लगते हैं, तनिषा, सूरज हमारी टीम का सबसे अच्छा नेविगेटर है और शेखर के साथ काम भी कर चुका है, अभी उसकी तबीयत कुछ सही नहीं है पर वो तुम्हारे और हमारे लिए तुम्हें खुद का स्टूडेंट बनाने को तैयार है ताकि तुम शेखर के साथ मिलकर रह सको। तनिषा सूरज की तरफ देखती है,
और मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरा कोच। हाँ, नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सूरज ने भी कहा कि तुम ठीक ठाक नेविगेटर हो, पर तुम अभी शेखर की बराबरी की नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें सिखा देगा। तनिषा जी, आपकी भले काबिलियत हमसे ज्यादा हो, पर शेखर से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपको शेखर का नेविगेटर बनना है तो सूरज से सीखना चाहिए, टीम के एक मेंबर ने कहा। वो सब उसे शेखर का नेविगेटर बनने देना चाहते थे। तनिषा को नहीं समझ आया कि उसे क्या करना चाहिए इस बार। वो पहले दर्जे की रेसर थी, कैसे ये लोग उसे कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोच की जरूरत है, तनिषा ने कहा। सूरज को तनिषा की ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो आगे बोलने लगता है, अगर तुम हमारे सर के परिवार से नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी सिखाता भी नहीं। तनिषा उसे देखते हुए पूछती है, तुम हो कौन? ये सुनकर सूरज को और गुस्सा आता है। तनिषा के नाना ने कहा, तनिषा ये क्या बदतमीजी है, सूरज तुम्हारा सीनियर है, तुम ऐसे नहीं कह सकती हो उससे। नाना जी, सर, ऐसा नहीं है कि मैं इसे लेना नहीं चाहता, पर मैं ऐसे घमंडी लोगों से दूर रहना ही पसंद करता हूँ, सूरज ने तनिषा के नाना और मामा से कहा। बाकी जो भी टीम के सदस्य थे, जो थोड़ा बहुत जो भी उसे पसंद करते थे, सब ये देखकर हवा हो गया था। तनिषा जी, सूरज सबसे अच्छा नेविगेटर है और आपके अभी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप शेखर का मुकाबला नहीं कर सकते हो। अगर आपको सूरज ने कुछ नहीं सिखाया तो आप कैसे बनेंगी शेखर की नेविगेटर, तनिषा से एक मेंबर ने कहा। तुमसे किसने कहा कि मुझे शेखर का नेविगेटर बनना है, तनिषा ने कहा। जब से तनिषा अभय की नेविगेटर बनी थी तब से उसे कसम खा ली थी कि वो किसी की भी नेविगेटर नहीं बनेगी। नेविगेटर बनने से अब उसका खून खौलता है और वो शायद ड्राइवर को मार डाले। अब उसे ड्राइविंग सीट पर बैठना था। तनिषा, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि WW के खिलाफ अगर तुम्हें रेस करनी भी है तो तुम्हें शेखर का नेविगेटर बनना होगा। तुम बिना उसके कैसे ये रेस जीतने का सोच सकती हो, तनिषा के मामा ने कहा। तनिषा उन्हें जवाब नहीं देना चाहती थी। वो अपने नाना की तरफ बढ़ी और पूछा, नाना जी, कंपटीशन कब है? कुछ दिन में, ZH1 ने इंतजार करने को कहा है, तनिषा के नाना ने कहा। ठीक है, मैं समझ गई, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, तनिषा ने कहा और वो वहां से निकल गए बिना किसी की बात सुने। तनिषा ने घर से निकलते ही जी को कॉल किया। तनिषा जी, बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? जी ने बहुत अच्छे से प्यार से बोला, क्या आप ये कंपटीशन की डेट को पहले कर सकते हो? और नॉर्मल रेस होनी चाहिए, रैली रेस नहीं, बिना किसी नेविगेटर के, तनिषा ने जी से कहा। मैं करवाता हूँ, जी ने कहा। वो लोग वैसे भी जीत नहीं सकते थे, चाहे कोई भी जगह हो। तनिषा ने एक लंबी सांस लेते हुए फोन रखा। वो किसी के दिमाग में कोई बात नहीं घुसा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि जल्द से जल्द ये सब खत्म हो और उसका काम खत्म हो। वो बस कैसे भी अपने परिवार की टीम को फिर से जिताना चाहती है। कुछ दिनों में ये खबर चारों तरफ फैल गई कि WW और सेना परिवार के बीच में मैच हो रही है। सब ऑनलाइन सेना परिवार और ZH1 की टीम की बहुत बेइज्जती करते हैं, एक ने लिखा। कौन सी सेना परिवार की टीम? वो लोग वैसे भी बिखरने ही वाले हैं, ऐसी टीम WW की टीम को चैलेंज करेगी? ये कौन सी घटिया चाल है अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का, इन्हें रेसिंग से बाहर निकालो। एक और कमेंट आता है, इसकी नेविगेटर तनिषा कपूर है, वो तनिषा कपूर जिसके बहुत सारे स्कैंडल्स हुए हैं। हाँ, उसका मन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम खराब करके नहीं हुआ तो अब ये यहाँ आ रही है। उसे कुछ पता भी है रेसिंग के बारे में? वो घटिया लड़की सिन्हा सर की नातिन है, इस वजह से नेविगेटर बनी, वरना उसे कौन लेता? उसे हमारे फेवरेट स्टार्स का नाम खराब करके शांति नहीं मिली जो अभी ये कर रही है? तनिषा बैठकर सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। उसने बहुत वक्त अपने लिए दीवारें खत्म करने की कोशिश की थी। तनिषा पढ़ी रही होती है कि तभी एक कॉल आता है उसे। जी कॉल पर तनिषा से कहने लगता है, तनिषा जी, आपने ऑनलाइन सबके कमेंट्स देखे, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके परिवार की बदनामी होगी और उन्हें शायद निकाल भी दिया जाए, तनिषा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने देखा, आप चिंता मत करो, हमारे जीतने से ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आप जीते तो, तनिषा ने बहुत आराम से बात की, उसकी आवाज में कोई गुस्सा या शिकन किसी का नामो निशान ही नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद जी ने कहा, तनिषा जी, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, पर हमारी और सिन्हा सर की टीम WW की टीम का हर एक सदस्य अच्छा है और उनका नया कैप्टन, जी ने कहा, उनके जीतने के चांसेस बहुत कम थे। रेस कब है, तनिषा ने पूछा। 2 दिन में, आपने जैसा कहा था रेस ट्रैक नॉर्मल ही है, जी ने तनिषा से कहा। फोन रखने से पहले जी ने तनिषा से कहा, तनिषा जी, अभी भी देर नहीं हुई है, ये सब ZH1 की वजह से हुआ है, मैं नहीं चाहता आपका परिवार इसमें फंसे, जी ने तनिषा को समझाते हुए कहा। तभी तनिषा को एक कॉल आता है। उसने किसी तरह फोन रखा और फोन देखा। उसे पता था कि नेहा उसे कॉल करेगी। हेलो नेहा, ये सब क्या बोल रहे हैं लोग तुम्हारे बारे में? तुम सिन्हा परिवार की तरफ से नेविगेटर बन रही हो और तीसरे इंटरनेशनल लेवल के एंट्रेंस में हिस्सा ले रही हो, नेहा सीधे मुद्दे पर आते हुए कहने लगी। नहीं,
मैं नेविगेटर नहीं बन रही हूँ, तनिषा ने कहा। नेहा ने चैन की सांस ली कि तभी तनिषा ने कहा, मैं रेसर हूँ टीम की। नेहा ये बात सुनकर चौंक जाती है। नेहा को लगा था कि तनिषा अब सुधर जाएगी, पर किसे पता था कि वो फिर से खुद के लिए ऐसे मुसीबत बुलाएगी। तनिषा देखो, तुम्हें अभी अभी मौका मिला है और अब इसे बर्बाद कर रही हो तुम। अगर बुरी खबरें फैल रही है तुम्हारे बारे में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कोई तुम्हें हायर वैसे भी नहीं करना चाह रहा है, मेरी इतने कोशिशों के बाद भी। अभी सब बहुत मुश्किल है और इसमें तुम ये बड़ा कदम ले रही हो। नेहा ने तनिषा को समझाते हुए कहा। तनिषा को बहुत बुरा लगता है ये सब सुनकर। उसे नहीं पता था कि सब कुछ इतना खराब चल रहा है। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी और ये जीतूंगी भी। नेहा को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर तनिषा को खुद पर इतना भरोसा कैसे है। भले तनिषा सिन्हा परिवार के साथ थी और वो रेस कैसे कर सकती है, वो तो अभी अभी सिर्फ एक नेविगेटर बनी है। नेहा को लगा इस बार तनिषा सब कुछ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कर रही है, और नेहा को नहीं समझ आ रहा था क्यों। तनिषा बहुत बदल गई थी, उसने बहुत बुरे फैसले लिए हैं अपने बिना सोचे समझे, और नेहा को लगा कि जैसे तनिषा दोबारा वही कर रही है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो कॉल कर लेना, नेहा ने हार मानते हुए तनिषा से कहा। ठीक है, आप कैसे हो, तनिषा ने नेहा से पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ, नेहा ने तनिषा से कहा। तनिषा सोच में पड़ जाती है, कैसे ठीक हो सकती है नेहा, परेशानियां अभी भी उसके लिए कम नहीं हुई है। 3 महीने में कैसे सब ठीक होगा, वो लोग नहीं छोड़ेंगे अगर सब ठीक नहीं हुआ तो। तुम्हारा अभी फिलहाल कोई काम नहीं आया है तो मैं प्रिया को दूसरे की असिस्टेंट बना रही हूँ, तनिषा ने नेहा से। तनिषा ने कॉल खत्म करने के बाद प्रिया को मैसेज किया। प्रिया मैं कभी नहीं भूलूंगी तुम्हें, अगर मैं अमीर हो भी गई तो जब वक्त आएगा तो मैं जरूर हायर करूंगी अपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए, प्रिया ने बोला। हाँ मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, कब आएगा वो दिन, प्रिया के बोलने के अंदाज से समझ आ रहा था कि वो मजाक कर रही थी। तनिषा ने उससे कहा, प्रिया ये बात भी कहने की है, तुम चिंता मत करो, वो दिन बहुत जल्द आएगा। अब मैं जाकर अपनी फेसबुक पोस्ट करती हूँ ताकि जल्दी अमीर हो सकूं, तुम्हें अपना असिस्टेंट बना सकूं। प्रिया चुप हो जाती है जब भी उसकी फेसबुक के बारे में सुनती है। उसकी हर बार के फेसबुक अपडेट के बारे में देखकर सब परेशान थे, हर दिन बस अमीर बनने वाली पोस्ट। प्रिया ने मैसेज में कहा, क्या तुम अपना एक ही पोस्ट बार बार करना बंद करोगी, तनिषा ने पूछा। क्यों, प्रिया ने मैसेज में बोला, जाकर राजमीत का अकाउंट देखो। राजमीत, उसके इस फैन को अब क्या हो गया, तनिषा को जानना था, इसलिए उसने बिना प्रिया को मैसेज किए राजमीत का अकाउंट खोला। उसे लगा ही था राजमीत फिर से अब उस पर कोई ना कोई घटिया वार कर रहा है। ये सब शुरू तब हुआ जब किसी ने तनिषा के लिए पोस्ट पर लिखा था, तनिषा जी आप फिक्र मत करिए, हमें पता है आप बेस्ट हो, सब आपको बहुत प्यार करते हैं और आप जरूर जीतोगे, आप रेस ट्रैक में सबको धूल चटाकर रख दोगे। उस इंसान ने राजमीत को उस पोस्ट पर टैग किया था। उस पर राजमीत ने कमेंट करते हुए कहा, ये सब बकवास किसी और के सामने करो, वो बस खुद का मजाक उड़ा रही है, अगर ये लड़की जीत गई तो मैं बिना कपड़ों के घूमूंगा। राजमीत पागल हो गया है, तनिषा ने सोचा, उसे अपनी बातों की गहराई का एहसास ही नहीं होता। अगर ऐसी बात हुई तो तनिषा सोच भी नहीं सकती कि उसके जीत पर राजमीत पर क्या बीतने वाली है। तनिषा ने उस अकाउंट को देखा जो कि किसी फैन अकाउंट की तरह लग रहा था। क्या ये कोई धोखा है, ये कैसे तनिषा का फैन अकाउंट हो सकता है और ऐसी बातें सबके सामने कर सकता है, तनिषा के इतने हेटर्स होने के बावजूद ये कैसे हो सकता है, उस फैन को इतना भरोसा कैसे हो सकता है। तनिषा ने उसका प्रोफाइल देखा जो कि बहुत हद तक उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने तनिषा के हर पोस्ट पर लाइक किया हुआ था और कमेंट भी, और अगर ये कोई फेक फैन भी था तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा था। तनिषा ने ऐसे ही अपने इनबॉक्स को देखा तब उसे एक मैसेज आया था। ये उस इंसान का मैसेज था, बॉस मैंने टिकट ले ली है आपकी रेस की, मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आपके वापस आने का, आप बेस्ट हो बॉस, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। बॉस, बॉस तो सब हीवा के फैंस कहते हैं। ये था कौन जो कि असलियत के बारे में जानता था, किसी को पता नहीं था उसके बारे में बस एक इंसान के अलावा, क्या ये स्टाफ मेंबर में से कोई था। हाँ ये वही था, अनुराग सरकार। तभी तनिषा को प्रिया का मैसेज आता है, मुझे पूछना था तुमसे कुछ, तुमने अपना प्रोफाइल पिक्चर क्यों बदला और वो लड़का कौन है। रोहित सर, मुझे लगता है मैंने कहीं देखा है ये फोटो। तनिषा ने जो फोटो लगाई थी उसमें राज की आधी सी शक्ल दिख रही थी, रोहित उसकी तरह नहीं दिख रहा था। तभी तनिषा ने कहा, रोहित तो नहीं पर राज जरूर है, तनिषा ने धीरे से कहा। तनिषा खिड़की के बाहर दिख रही होती है और उसे तभी एक जानी पहचानी सी गाड़ी दिखती है उसके घर के बाहर। तनिषा अपने घर की खिड़की खोलती है, ना ही उसे सिर्फ वो गाड़ी दिखती है बल्कि एक परछाई जो उस गाड़ी के पास होती है। ये नहीं हो सकता, राज इतनी रात को उसके घर के बाहर क्या कर रहा है, और अगर वो वही है तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं आने से पहले।
तनीषा नीचे जाने का सोचती है, वो अपना जैकेट लेती है और नीचे उतरने लगती है। एक काले रंग की गाड़ी उसके घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी होती है। तनीषा ने नीचे आकर काफी ध्यान से और उसे काफी दूर से पूछा, राज जी? वो आदमी जो कि सामने खड़ा था वो तनीषा की आवाज की तरफ पलटता है। ओह, ये सच में आप हो? तनीषा ने जब उसका चेहरा देखा वो चौंक गई। आप यहाँ कैसे राज से? तनीषा ने राज से पूछा। राज अपना सीक्रेट फेंकता हुआ कहने लगा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। गुजर रहे थे? तनीषा ने वो जगह देखी जहाँ राज पहले खड़ा था, वहाँ बहुत सारे सिगरेट खड़े पड़े थे। वो कैसे यहाँ से सिर्फ गुजर सकता है? आप यहाँ से गुजर रहे थे? आप कितनी देर से थे यहाँ? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? आप अंदर आओगे? तनीषा की बातें सुनकर राज खुश हो गया था और थोड़ा चौंक भी गया था। तनीषा बस यही सोच रही थी कि उसके सवाल में कुछ तो गलत था नहीं, फिर वो ऐसे क्यों दिख रहा है? अगर वो शायद दोस्त होते भी तो वो इस ठंड में उसे अंदर बुलाती ही, तो फिर वो तो उसका बॉयफ्रेंड है। समीर ने तनीषा की तरफ देखते हुए कहा, इंसान की अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, एक बार कुछ मिल जाता है तो उसे वो चाहिए ही होता है। तनीषा कुछ कंफ्यूज थी और उसने आगे पूछा, हाँ, तनीषा को नहीं समझ आता है कि राज ने ये क्यों कहा, उसने सिर्फ उसे घर पर बुलाया है, फिर ये बात। आप कहना क्या चाहते हो राज जी? तनीषा ने पूछा। राज तनीषा की तरफ बढ़ता है और कहने लगा, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता आपके साथ। तनीषा चुप हो जाती है। क्या राज उसे गलत समझ रहा है? वो कभी ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, मैं बस आपसे मिलना चाहता था, राज ने कहा और तुरंत वहां से चला गया। जब से तनीषा और उसके बीच में सब कुछ ठीक हुआ था, तब से चीजें बहुत आम सी हो गई थी दोनों के बीच में। राज ने उसके मामलों में कुछ कहना ही बंद कर दिया था, वो बस आया, उससे मिला और चला गया। फिर भी उसके दिमाग में राज की बातें इतनी क्यों चल रही थी? शायद वो उसे बताता ही नहीं अगर तनीषा ने खिड़की के बाहर नहीं देखा होता। तनीषा को ये चीज बहुत अच्छी लग रही थी, राज का ऐसे उससे बार बार मिलना कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लग रहा था। तनीषा खुद को थप्पड़ मारती है और याद दिलाने लगती है, नहीं नहीं, प्यार नहीं, पैसे, प्यार नहीं। तनीषा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आने वाली रेसिंग मूवी पर था। पूरी मूवी की कहानी सिर्फ ऋषभ के आगे पीछे घूमती है, जो कि अपने सेकंड लेवल के रेसिंग में दो बार चैंपियनशिप जीतता है। और सबसे बुरे वक्त में उसे अपनी गुरु येवा मिली थी, जिसने उसे सब कुछ सिखाया था और इस काबिल बनाया था कि फर्स्ट लेवल कंपटीशन भी जीत सके। इस कहानी में ऋषभ की निजी जिंदगी भी दिखाई गई है। तनीषा ने इसकी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उसे अच्छा लगा था कि लोगों ने ज्यादा खराब नहीं की है स्टोरी और सच्चाई भी रखी है। येवा को सिर्फ इसलिए इस मूवी में रखा गया था ताकि सब ये मूवी देख सके। इसके अलावा कास्टिंग में बहुत सख्त थे लोग, जिस वजह से ये रोल अभी तक किसी को पक्के तौर पर मिला नहीं था। तनीषा को ये रोल करना था क्योंकि उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, उसे खुद का ही तो रोल करना है अभी। अगर उसे किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देना है तो वो सिर्फ की WWE की रेस। अगले दिन तनीषा सुबह सुबह रेसिंग एरिना में पहुंच जाती है। वो अपने परिवार की टीम की तरफ देखती ही नहीं और ZH1 के मेंबर के तौर पर रेस करने का फैसला लेती है। वो बस ये सोच रही होती है कि राज ने ये बात सुनी थी, उसे पता चलेगा तो शायद राज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तनीषा ने सोचा कि राज बहुत बिजी रहता है, उसे ध्यान नहीं होगा शायद। तनीषा ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ी। पूरे रेसिंग एरिना में बहुत भीड़ थी और तनीषा का परिवार भी जल्दी आ गया था। आ गई है लड़की, तनीषा ने सुना। तनीषा को देखकर कोई खुश नहीं था। जो भी लोग पहले उस जीत के बाद तनीषा को पसंद करने लगे थे, तनीषा की इस हरकत के बाद उसे नहीं देखना चाहते थे। अब तनीषा ने सीधे ZH1 की तरफ से हिस्सा ले लिया था और सब उखड़े हुए थे। एक नेविगेटर रेस करेगा, बहुत अच्छे, सूरज ने हंसते हुए कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अच्छे रेसर के होते हुए भी रेस में खुद का नाम देने की? बहुत उड़ रही है अब वो, इस लड़की की वजह से हम नहीं जीत पाएंगे, हम उम्मीद ही नहीं रख सकते अब, तनीषा के मामा ने कहा। अब रेस का अंजाम तो सिर्फ और सिर्फ आगे ही पता चलेगा। तनीषा के नाना को ये चिंता नहीं थी कि तनीषा ने ZH1 की टीम से हिस्सा लेने की सोची है और उनकी टीम को मौका नहीं देने दिया। उनकी लड़ाई वैसे भी सबसे अच्छी टीम से थी और कोई पागल ही होगा जो WWE से रेस की सोचेगा, वो भी ऐसे हाल में। अभी तनीषा के नाना को अगर किसी चीज की फिक्र थी तो बस इस बात की कि उनके हारने के बाद क्या होगा। ZH1 ने खुद की वेबसाइट पर भी ये बोल दिया था कि सिन्हा परिवार भी उन्हीं की टीम का हिस्सा है, और इस बात पर उनकी टीम की ऑनलाइन बहुत बेइज्जती हुई थी। आज जब WWE से वो हारेंगे तो सब यही कहेंगे कि सिन्हा परिवार की टीम की कोशिश थी, वो लोग कोई घटिया सी चाल चले, इस वजह से कोई इन्वेस्टर उन पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। सिन्हा परिवार की टीम से एक लड़का आगे आता है और कहने लगता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे हटाकर खुद जाने की? तुम्हारा लक अच्छा है, हम लोग वैसे भी नहीं जीत पाएंगे, तुम हिस्सा लो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, दूसरे मेंबर ने कहा। तुम गलत नहीं कह रहे, पर वो होती कौन है मुझे हटाने वाली? उसको पता भी है एक्सेलरेटर कहाँ है,
ब्रेक्स कहाँ है? बस वो तो अपने नाना जी के टीम में है, तो कुछ भी कर लेगी। उस लड़के ने कहा, भूल जाओ, वो बड़े सर की नातिन है, एक मेंबर ने समझाते हुए कहा। है भी तो क्या हुआ, और वो बड़े सर की नातिन के अलावा है ही क्या, उसे सूरज की स्टूडेंट बन जाना चाहिए था, अगर शेखर नहीं होता तो उस दिन तो वो जीत भी नहीं पाती। उस लड़के ने तनिषा की तरफ घूरते हुए देखा। सबको तनिषा पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था इस वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे, शेखर ने बोला सबसे। कौन ध्यान भी देगा उस पर, ये नहीं जीत सकती, वैसे भी वो सबको हटा कैसे सकती है, ऐसे मुझे कैसे हटा सकती है, एक मेंबर ने बोला। मुझे नहीं लगता कि उसके और कोई इरादे हैं, बस थोड़ी सी घमंड है शायद अपने नेविगेटर की स्किल्स की वजह से, एक और रेसर ने कहा। कुछ देर बाद राजमीत और अनुराग रेसिंग ट्रैक के आसपास घूम रहे थे। ये एक एंट्री लेवल का कंपटीशन था, जिस वजह से मीडिया भी वहीं पर थी, पर वेन्यू के अंदर नहीं आ सके। सिर्फ स्टाफ और टीम के अलावा कुछ ही लोग थे वीआईपी में। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस कंपटीशन में, राजमीत ने चेयर पर बैठते हुए बोला। नहीं है दिलचस्पी, अनुराग ने राजमीत से पूछा। अनुराग राजमीत की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम विराज के कंपटीशन में भी गए थे, सब जानते हैं कि तुम रेसिंग के लिए कितने पागल हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें WW का ये कंपटीशन नहीं देखना। तुम गलत कह रहे हो, राजमीत ने अनुराग की तरफ देखते हुए बोला और आगे बोला, मुझे कंपटीशन में तभी मजा आता है जब टक्कर की टीम हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसमें सबको पता है कि क्या ही होगा। अनुराग राजमीत की तरफ देखकर कहने लगा, ये सही बात नहीं है, हमने सारे रेस देखे हैं जिसमें बॉस थी, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें उन पर भी भरोसा नहीं, उनके रेस पर भी यही सोचते थे कि कुछ भी हो सकता है? राजमीत ने अनुराग की इस बात पर बोला, बॉस अलग है, उनके रेस को देखने वक्त जो जोश था तुम मुझसे इसमें नहीं मांग सकते, मुझे उनकी जीत देखकर खुशी होती थी। तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो अभी, सिर्फ ये कंपटीशन देखो, शायद सिन्हा परिवार जीत जाए, अनुराग ने कहा। राजमीत ने हंसते हुए अनुराग से बोला, तो तुम्हें लगता है कि ये लोग WW से जीतेंगे? अगर ये जीते तो मैं बिना कपड़ों के घूमूंगा बाहर। इतनी भी घटिया बात मत कहो अनुराग, सिन्हा परिवार कभी नहीं जीत सकता। अनुराग राजमीत से कुछ नहीं कहता, पर उसे अंदर ही अंदर हंसी आती है। अगर इस रेस में रेसर हीवा खुद नहीं होती तो उसे भी भरोसा नहीं होता कि सिन्हा परिवार की टीम जीतेगी। उसे पता था कि हीवा के होते हुए किसी की जीत नहीं हो सकती। अच्छा हुआ उन्होंने अभी अपना चेहरा ना असलियत में किसी को दिखाई ना बताई थी। अनुराग को अब राजमीत के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था, क्योंकि राजमीत ने कह तो दिया था, पर वो करेगा कैसे अगर आज जीत गई हीवा की टीम। तो तभी रेसिंग ट्रैक के पास में ZH1 की टीम के सारे मेंबर आते हैं। सिन्हा परिवार की टीम और सभी सदस्य उनकी तरफ जाते हैं। जी के भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन सबके लिए काफी मुश्किल होगा। शेखर के पिता ने कहा, नहीं जी, और आप सब शेखर पर भरोसा रखिए, अगर हम हरा भी नहीं पाए WW को, शेखर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शेखर ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा। जी कुछ नहीं कह पाया, उसे अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, शेखर के पिता ने कहा। वो थोड़े से परेशान दिख रहे थे। उन्होंने आगे बोला, ये बात तनिषा के बारे में है क्या? क्या आप इसे हटाकर किसी और को नहीं ले सकते हमारी टीम से? वो गई तो हमारी टीम की बहुत बदनामी होगी। ये बात सुनकर चौंक गए थे। और उसने आगे शेखर के पिता से कहा, आप तनिषा को हटाना चाहते हैं? सारे के सारे ZH1 के सदस्य भी शेखर के पिता की ये बात सुनकर चौंक गए थे। तनिषा की वजह से ही तो जी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हुआ है। उन्हें सच में लग रहा था कि बिना तनिषा के वो लोग इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा ले पाते? काश वो बता पाते शेखर के पिता को कि सच्चाई क्या है, पर कोई भी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि आखिरकार थे तो वो तनिषा के ही परिवार की। एक सदस्य ने चीजें संभालते हुए कहा, मैं माफी चाहूंगा, पर यहाँ कुछ रूल्स हैं और रेसर बदलना रूल्स के खिलाफ है। शेखर के पिता बिल्कुल चुप हो जाते हैं। रूल्स बिल्कुल साफ थे, जिसने रेस में रेसर के तौर पर अपना नाम डाला है वही रेस में रहेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है। शेखर के पिता ने थोड़ी देर बाद बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ कहना है। जी के भाई ने कहा, हाँ सर बिल्कुल कहिए। तनिषा बहुत साधारण रेसर है, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, तो वो खुद का ही मजाक उड़ा देगी। और भले ही शेखर और हमारे परिवार से है, पर फिर भी उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है। उन्हें ये लग रहा था कि तनिषा को उन लोगों ने इसलिए दूसरे रेसर की जगह दी क्योंकि वो शेखर के परिवार से थी। ZH1 का हर एक सदस्य बस एक दूसरे की तरफ देख रहा था। इतना भरोसा कैसे हो सकता है शेखर के पिता को शेखर पर? शेखर की स्किल्स ढंग की थी, पर इतनी भी अच्छी नहीं कि वो WW से मुकाबला कर सके। सबके सब कंपटीशन शुरू होने का इंतजार करते हैं। जी ने शेखर और शेखर के पिता की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, देखो, जी के टीम के एक सदस्य ने कहा, और उन लोगों को कुछ लोग आते हुए दिखे। ये लोग कुछ देख ही देखे से लग रहे हैं, एक और सदस्य ने कहा। ये तो स्पीड टीम है एयर कमांडर के साथ, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी ने उन लोगों को देखा और कहा। सबके सब मुड़कर उनकी तरफ देखते हैं।
शेखर ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, स्पीड टीम आज यहाँ आई है। शेखर के पिता ने शेखर से खुशी की मारी कहा। उनके आने से कई लोगों के मन में कई सवाल थे, पर WW सबसे बड़ी टीम थी तो सबको लगा कि स्पीड टीम उनके लिए आई है। एयर कमांडर और स्पीड टीम आगे आते हैं और WW की टीम उनकी तरफ बढ़कर कहने लगती है, हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं अभी अपने कैप्टन को बुलाता हूँ। एयर कमांडर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है उसकी, हम तुम्हारी टीम के लिए वैसे भी यहाँ नहीं आए हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, WW सबसे बड़ी और जानी मानी टीम है। आखिर रेस के बाद एयर कमांडर ने बहुत खोजबीन की थी एवा के बारे में और उसे पता चला कि वो सिन्हा साहब के परिवार से है। उनके यहाँ आने की वजह यही थी, हम यहाँ सिन्हा परिवार और ZH-1 के लिए आए हैं, उनको सपोर्ट करने आए हैं, एयर कमांडर ने कहा। ZH-1 और बाकी सारों की ये सब सुनकर होश उड़ गई थी। वहीं शेखर और शेखर के पिता खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड। सारे के सारे स्पीड टीम के सदस्य और एयर कमांडर ने कभी नहीं ये सोचा था कि फर्स्ट लेवल इंटरनेशनल कंपटीशन की विजेता और सबसे अच्छी रेसर पूरे रेसिंग इंडस्ट्री की, वो पूरे देश की सबसे खराब टीम के मालिक के परिवार से है। मैं बता भी नहीं सकता कि आखिरी बार जो रेस हुई थी उसमें कितना मजा आया था। भले ही हम उनसे हारे थे लेकिन ये हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारा मुकाबला हीवा से था, एक स्पीड टीम के सदस्य ने कहा। धीरे बोलो, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, आज तक हीवा के बारे में किसी को नहीं पता चला है और अगर हमने बताया तो हमारी जान नहीं बचेगी, एयर कमांडर ने कहा। ये वाजी इतनी प्यारी दिखती है, वो ऐसा नहीं करेंगी, उस रेसर ने एयर कमांडर से कहा। तुम बहुत बोले हो, तुम्हें क्यों लगता है कि एक लड़की होते हुए भी वो सबसे अच्छी रेसर रही थी? विशाल को अधमरा करके छोड़ा था उन्होंने और ये बिल्कुल पक्की बात है कि वो ऐसा कर सकती है, एयर कमांडर ने कहा। यही सेना परिवार को भरोसा नहीं हो पाता कि सबके सब काफी चौके हुए होते हैं ये सुनकर, स्पीड टीम यहाँ आई हुई है, सूरज ने बोला। एयर कमांडर जो कि स्पीड टीम के कैप्टन है, उन्होंने खुद कहा है कि वो WW के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए यहाँ आए हैं। हमारे लिए? शेखर ने कहा और वो बाकी सब काफी चौके हुए थे। आखिर कैसे ये हो सकता है, कैसे स्पीड टीम उनका मैच देखने आ सकती है? सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो यहाँ आएंगे भी क्यों? तनिषा के नाना ने कहा, मुझे नहीं पता इस टीम का, उसके कैप्टन के बारे में। सूरज और शेखर दोनों चुप हो जाते हैं। शेखर के पिता ने खुशी खुशी कहा, तब शायद स्पीड टीम शिखर के लिए आए हैं, उन्हें पता चला होगा कि कितना अच्छा रेसर है वो, इसलिए। तनिषा के नाना ने ये बात सुनकर हंसते हुए कहा, शिखर भले ही अच्छा है और ये सोचने वाली बात है कि ZH-1 उनकी वजह से हमें ये सब करने दे रहे हैं, पर ये बात बिल्कुल गलत है कि इतनी बड़ी टीम सिर्फ उसके वजह से यहाँ आएगी, ऐसा होना नामुमकिन है। नामुमकिन? दादाजी ये कैसे हो सकता है, एयर कमांडर खुद हमारे लिए यहाँ आए हैं, आप तो उन्हें जानते भी नहीं है, और वैसे भी पूरी टीम में सबसे अच्छा रेसर हूँ मैं, शिखर ने गर्व से कहा। ये बात सुनकर शेखर के पिता ने कहा, पापा शेखर सही कह रहा है, हम में से कोई भी स्पीड टीम को नहीं जानता है, भले ही उसकी स्किल्स इतनी अच्छी ना हो पर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने शेखर की काबिलियत देखी हो, ऐसी टीम को हमेशा नए टैलेंट की खोज होती है। तनिषा के नाना कुछ नहीं कहना चाहते थे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ गड़बड़ थी जो उन्हें भी नजर आ रही थी, शेखर अच्छा था पर उतना भी नहीं कि कोई बड़ी टीम यहाँ आए, कुछ था जो समझ नहीं आ रहा था। तनिषा के नाना ने सोचा, शायद उनकी उम्र हो गई है और शायद शेखर में काबिलियत है जो वो नहीं देख पा रहे। ज्यादा देर हुई नहीं थी कि तभी स्पीड टीम और एयर कमांडर अंदर आते हैं। एयर कमांडर हंसते हुए सिन्हा परिवार की तरफ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, मैं आपकी टीम से मिलना चाहता था, आपने तो इस रेस में ये नहीं कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही देखने आए थे, मुझे आपकी टीम के रेसर बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को परेशान नहीं किया। शिखर के पिता आगे आते हैं और कहने लगते हैं, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, आप मेरे बेटे को सपोर्ट करने आए हैं सर, शेखर हमारी टीम का सबसे अच्छा रेसर है। एयर कमांडर ने सोचा, ये शेखर कौन है? बाद में उन्हें याद आया कि सिन्हा साहब का पोता था और तनिषा के परिवार का एक हिस्सा। एयर कमांडर कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ओह हाँ, हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं इस रेस के पूरे होने का, एयर कमांडर ने हंसते हुए कहा। वो येवा के परिवार को कुछ नहीं कह सकते। एयर कमांडर वहां से अपनी टीम के साथ चले गए अपनी VIP सीट की तरफ। सूरज ने हंसते हुए कहा, देखा सर, वो शेखर के लिए ही आए हैं। इस बात का भरोसा तो वैसे सिन्हा साहब को नहीं था और उनके हिसाब से ये होना नामुमकिन था। WW और सिन्हा परिवार की टीम स्टार्ट लाइन पर थे, तभी शेखर के पिता तनिषा के पास आते हैं और उसे बोलने लगते हैं, तनिषा तुमने अगर हिम्मत भी की कि शेखर की परफॉर्मेंस को खराब कर पाओ तो उसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तनिषा तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, आज सबकी नजर ZH-1 पर है या स्पीड के एयर कमांडर पर, सब यहाँ सिर्फ और सिर्फ शेखर के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा होगा कि तुम निकल जाओ, बोल दो कि तुम हिस्सा नहीं ले पाओगी, तुमसे काफी अच्छे रेसर है हमारे पास, सूरज ने तनिषा से कहा। तनिषा के बर्दाश्त के बाहर चीजें हो रही थी अब, उसने गुस्से में सूरज से कहा,
अपना दिमाग और ज्ञान रेस तक रखो, मुझे मत समझो। सबके सब तनिषा का ये बर्ताव देखकर बहुत चौंक गए थे। कभी किसी ने ऐसे सूरत से बात नहीं की थी। शिखर के पिता ने तनिषा से गुस्से में कहा, तुम कैसे बात कर सकती हो ऐसे सूरत से, माफी मांगो उससे। इस वक्त तनिषा के दिमाग में बस यही चीज चल रही थी कि काश ये लोग जानते कि जिस लड़की की वो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं वो है कौन। पर तनिषा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है बिना माफी मांगे। वीआईपी रूम में राजमीत ने थोड़ी दूर में खड़े एक ग्रुप को देखा और अनुराग से कहा, ये तो एयर कमांडर है ना, स्पीड टीम से। अनुराग पीछे मुड़ा और कहा, हाँ स्पीड ही है। राजमीत को ये थोड़ा अजीब लगता है, ये तो समझ आ रहा है कि WW और ZH1 का मुकाबला है, पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि वो लोग इन्हें जानते भी होंगे, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये देखकर अनुराग को भी काफी अजीब लगा था। सिर्फ वही एक था जो कि तनिषा के रेसर होने की असलियत को जानता था। और अगर स्पीड या एयर कमांडर हीवा के बारे में नहीं जानते तो वो यहाँ होंगे भी क्यों। राजमीत अनुराग की तरफ मुड़ता है और उसे पूछता है, अरे हाँ तुम्हें बॉस के बारे में खबर मिली, बॉस ने रिटायरमेंट ले ली है उनकी चोट की वजह से। राजमीत को काफी बुरा लग रहा था ये कहते वक्त। हाँ सुना तो है पर भरोसा नहीं होता इस बात पर, अनुराग ने कहा। तनिषा को कुछ इलीगल ड्रग्स लेने की वजह से निकाल दिया था, ये खबर फैली नहीं थी उस हिसाब से, पर सबने उस पर काफी उंगली उठाई थी। सबको पता था कि येवा किस दर्जे की रेसर है और बहुत कम लोग थे जो उसे हरा सकते थे, और बहुत रिकॉर्ड्स थे येवा के नाम पर। कोई ये बात नहीं मानता कि इस लेवल पर जाने के बाद रेस में कोई भी ऐसे ड्रग्स लेगा जिससे वो रेस ना कर पाए या उसके एक्सीडेंट के कोई ज्यादा चांसेस हो। कोई भी कभी खुद को मौत के कुएं में क्यों धक्का देगा। तनिषा ने कुछ नहीं कहा था इस बारे में, बस वो इस बात से टूट चुकी थी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ने येवा की टीम को लेना बंद कर दिया था, पर भरोसा तो किसी को भी नहीं था कि उसके जाने की वजह ऐसी कुछ होगी। तनिषा वहां से बिना कुछ कहे चली गई अपने ऊपर सारे इल्जाम लेकर, और लोगों ने ये कह दिया कि वो रेस से रिटायरमेंट ले चुकी है। किसी को भी कभी भी भरोसा नहीं था और ना कभी किसी को होगा कि फर्स्ट लेवल की चैंपियन येवा इस खराब दर्जे की रेस में हिस्सा लेगी। एयर कमांडर जिसकी नजर स्टार्ट लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी पर थी, येवा की गाड़ी, उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने अपनी चोट की वजह से नहीं छोड़ी है रेसिंग। कैप्टन, एक स्पीड के सदस्य ने कहना शुरू किया, अगर उन्हें चोट भी लगी होगी तो भी कोई बात नहीं, वो आंखें बंद करके भी जीत सकती है, ये सब उनके लिए बच्चे हैं। हाँ वो हमारे कैप्टन तक को हरा सकती है, एक सदस्य ने एयर कमांडर को देखते हुए बोला। ये बात गलत नहीं थी, बहुत सच्चाई थी इस बात पर। इस बात की सच्चाई पर एयर कमांडर तक को शक नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सब येवा के लिए बिल्कुल एक खेल जैसा था। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में।